नमस्ते मित्रों, मैं लाला पटेल। नमस्ते लाला भाई। आज हम हथनूर गांव में आए हैं। अभी ये सेकंड प्लॉट है आज। ये है सुभाष भागवत महाजन, इनका प्लॉट है। इन्होंने 5000 प्लान लिए हैं। ये पूरा खेत वहाँ तक आखिरी तक दिख रहा है। बेड अच्छा बना है लाला भाई, चपटा बेड ही बनना चाहिए। सन वगैरह भी डाला है, अभी निकल रहा है और प्लांट यहाँ पे सेट हो चुका है। सर, आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम। ये प्लॉट आपका ही है ना? आपका नाम? मनोहर सुभाष महाजन। मनोहर सुभाष महाजन। नंबर, मोबाइल नंबर? 94-23-41-44-41। अभी इसको कितनी ड्रिंचिंग हो गई है? तो एक ड्रिंचिंग काय की गई उसमें? 3-1 सेमी कैसेट। हाँ, अनकोरी पास। और जो हमने जो आपको सजेशन दिया था सुक्रोस का, तो वो भी किया है। एक बार किया। उसके साथ में क्या लिया था? वो फेशियल लिया था। निस्ता सुक्रोस सिंपल ही? हाँ, सिंपल। उसके साथ गुड़ गोबर कुछ नहीं लिया? नहीं। तो आपको व्हाट्सएप पे हमने वो शेड्यूल दिया था, उसमें 6 ड्रिंचिंग करवाना है आपको। अभी कितने दिन हो गए इसको? अभी इसको बुधवार के दिन किया। बुधवार के दिन किया। इसका प्लांटेशन डेट क्या है? तारीख को कितना लगाया? कितने तारीख को लगाया? 8 तारीख को लगाया। 8 महीना कौन सा? आठ फरवरी को लगा। हो गया इसको? लाला भाई, बहुत ही प्लॉट पीछे चल रहा है ये, एकदम। तो सिर्फ ये दो ही काम किए हैं अभी तक, बाकी कुछ नहीं किया है। और फर्टिगेशन का डोज वो दिया है ना आपको व्हाट्सएप इस पे डाला है? नहीं, इस पे तो डाला है आपको व्हाट्सएप पे। फर्टिगेशन का जो कंपनी का शेड्यूल है वो आपको दिया है ना? तो उसके हिसाब से डोज चालू है अभी। क्या क्या डाला है अभी? नहीं, बार डोज नहीं डाला। डोज डाला ही नहीं? नहीं। क्यों नहीं डाला? नहीं डाला। अच्छा, फॉलो नहीं करेंगे तो प्लांट अच्छा कैसे तो बनाएंगे? कंपनी के हिसाब से जो आपको हम दे रहे हैं ड्रिंचिंग का शेड्यूल दे रहे हैं, तो इसमें 6 ड्रिंचिंग आज तक हो जाने चाहिए थी। जी, आपको एक महीने ऊपर हो गया है, शेड्यूल दिया है। आज 16 तारीख है और 8 फरवरी का लगा हुआ है को होना थी, और उसके हिसाब से शेड्यूल भी की तैयारी भी चालू कर दीजिए। अभी लेट मत कीजिए, ठीक है? और प्लांट सेट हो तो क्या है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ड्रिंचिंग की कमतरता मेरे को दिख रही है, तो वो शेड्यूल मैं आपको और एक बार दे देता हूँ, तो ज़रा वो कंटिन्यूली उसको चालू रखिए। ये थे सुभाष भागवत महाजन हथनूर। तो इनका प्लान सेट हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है लाला भाई। सेट हो गया है लेकिन परफेक्ट नहीं है। 8 फरवरी का प्लांटेशन है। अभी इसको 1 महीने के ऊपर टाइम हो चुका है। मैं लाला पाटिल, मेरा मोबाइल नंबर है 97-64-84-73-55। लाला भाई नमस्ते। आज तारीख है 16-3-2020। आप मेहनत कर रहे हो, किसानों के पास जा रहे हो, लेकिन ये जो फार्मर थे मित्र अपने, इनको थोड़ा सा गाइड करो। मैं नागेश्वर भाई का प्लाट आपको दिखाता हूँ जो इनके 7 का लगा हुआ है। इन्होंने 8 तारीख को लगाया था, नागेश्वर भाई ने 7 फरवरी को लगाया था। आज ही उनका भी वीडियो मेरे पास आया है। आज 16 मार्च है, नागेश्वर भाई ने आज ही 16 मार्च को ये टुडे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। नागेश्वर भाई ने आज ही मुझे ये वीडियो सेंड किया है। ये नागेश्वर भाई का आईडी है। और इन किसान मित्रों को बताइए कि 100% बी किसान को फॉलो करेंगे, कीचड़ में लगाएंगे और दूसरे दिन गोबर गुड़ सुक्रोस की ड्रेंचिंग, और फिर जो 23 दिन का पूरा शेड्यूल जो दे रखा है उसे फॉलो करेंगे तो कैसा प्लॉट बनेगा। देखिए, ये वीडियो इन किसान मित्रों को भी दिखाना है कि प्लॉट कैसे रहता है। मेरा नाम नागेश जाट है। ये मेरा प्लांट है, 6-7 फरवरी को प्लांटेशन हुई थी। रेवा G9 का पौधा लगा हुआ है। आज 1 महीने के बाद से फिर जो ट्रेंचिंग करनी थी, आज वो ट्रेंचिंग चल रही है। ये 200 लीटर पानी में 10 किलो 12 32 16 5 किलो DAP
उसके साथ में पूरा 200 लीटर में दोनों को मिक्स किया है, फिर 3 किलो यूरिया और 3 किलो पोटास, पोटेशियम ह्यूमेट और पोटेशियम फुलवेट, ये इसमें 200 लीटर में मिक्स किया है। अभी 150 लीटर पहले भरी है, पहले पानी में फास्फोरिक एसिड डाला, उसके बाद सब चीज़ें डाली है। लाला भाई प्लांट को देखिए आप कैसा चल रहा है, पौधे की हाइट हेल्थ, तने की मोटाई देखिए, अपने इन फार्मरों को भी दिखाइए कि आपके साथ का एक दिन तारीख का लगा हुआ दोनों के पास रेवा है, लेकिन गाइडलाइन जो फॉलो कर रहा है उसको कैसा बेनिफिट है, जो गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहा है उसको क्या है। पौधे की हाइट हेल्थ देखिए, तने की मोटाई देखिए, अभी इस तरह का एक भी पौधा उस किसान मित्र के फील्ड पर नहीं है, दोनों एक साथ का लगा है, एक ही कंपनी का पौधा है, दोनों के पास रेवा है, लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा देखिए, ऐसा पौधा ही नहीं है उनके पास। कितना बड़ा पौधा हो चुका है, 1 फीट हाइट का पौधा हो चुका है ये, अभी 23 दिन के बाद के ये ड्रेंचिंग चालू हुए हैं, 1 महीने बाद के, अभी वहाँ पर भी 1 महीना 8 से 10 दिन हुआ है, यहाँ भी 1 महीना 8 से 10 दिन हुआ है, सन लगा नहीं है वहाँ पर, सामने गर्मी में फिर पौधा खराब हो जाएगा। लाला भाई आप किसान को 100 फॉलो करने का बोलिए, इतना बड़ा पौधा होना चाहिए था अभी तक 1 महीने। जिस तरफ गीला होता है ड्रिप की तरफ, उस तरफ आधा गोला बना के डाल रहे हैं, सेमी सर्कल बना के 200 ml एक पौधे में डाल रहे हैं। ये नागेश भाई ने जो फॉलो किया है इस तरीके से, बलराम भैया बोलिए उनको। लाला भाई ये प्लॉट देखिए आप, किस तरीके का प्लॉट है ये, हर पौधों को देखिए कैसे दिख रहे हैं पौधे, एक एक पौधे आपके जो फार्मर हैं उन्होंने भले ही रेवा लगाया है, लेकिन 100 अगर फॉलो नहीं करेंगे तो रेवा और बलराम किसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। मित्र आप हर किसान को बोलिए कि ऐसा 100 फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा, भले से रेवा हो या गठान हो या कोई सी कंपनी का पौधा हो, अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट कैसे आएगा। एक साथ का एक दिन का लगा हुआ एक कंपनी का पौधा, लेकिन फॉलो अप नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट आना है। लाला भाई आप ये मेरा वीडियो किसान को दिखाइए, नागेश भाई का भी दिखाइए, और हर किसान को बोलिए कि जो आपको बतलाया जा रहा है वो फॉलो करो, वरना कमी पैसी आएगी, फिर आप कंपनियों को भी बोलोगे कि गलत पौधा दे दिया। मैं कहता हूँ पौधा सेकेंडरी है, मैं कहता हूँ आपका मैनेजमेंट फर्स्ट है। लाला भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सभी किसानों को बतलाइए कि क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, ठीक है। लाला भाई ये वीडियो ज़रूर आपको उन किसानों को दिखाना है। थैंक यू।